और इसी आरक्षण के मामले को लेकर हमारे सहयोगी शरद पुरोहित ने बात की मंत्री विश्वेंद्र सिंह से। क्या कुछ बातचीत हुई, सुन लेते हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह गुर्जर समाज से वार्ता करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सकारात्मक वार्ता रही या किस तरह की चीजें रही, एक बार उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, गुर्जर समाज से भी आपकी वार्ता रही, क्या रहा निकल कर? क्या आप लोग मौजूद थे? बिल्कुल, क्या बातचीत? देखिए, एक दो दिन में हल निकलेगा, निश्चित रूप से निकलेगा, सकारात्मक हल निकलेगा। लेकिन सर, वो आप कमेटी बनाने के लिए कह रहे हैं, बनाकर आए, लेकिन उन्होंने कहा यहीं पर वार्ता हो। एक तो हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। उन्होंने कहा सर, श्रवण को 10% मिल सकता है, हमें क्यों 5% नहीं मिल सकता, इतनी देरी क्यों? अब मैं कह तो रहा हूँ ना कि मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ जब तक मैं आपको, मैंने अभी कह दिया सबके सामने कि मुख्यमंत्री से बात निकाल लूँ और लीगल एक्सपर्ट से की आज राय आ जाएगी। लेकिन धरना समाप्त हो सके इसके लिए कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, आपने उन्होंने कह दिया कि जब तक हमारा काम नहीं होगा हम धरना समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन वार्ता से हर चीज का हल निकलता है। निश्चित तौर पर वार्ता से हल निकल सकता है, इससे कही जा रही है। विश्वेंद्र सिंह ने वार्ता की, लेकिन आज की वार्ता में कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं निकल के आए। विश्वेंद्र सिंह ने साफ कर दिया सीएम से जाकर वो बातचीत करेंगे, जो आज यहाँ पर बातें हुई है गुर्जर समाज के साथ उनको सीएम के सामने ले जाकर रखेंगे, उसके बाद में जरूर कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं। कैमरा